एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट टू कल फर्स्ट क्विज टेस्ट हुआ था। जो लोग टेस्ट नहीं दिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट नाम से, तो आप लोग उसमें से जाकर फर्स्ट वाला भी टेस्ट दे देंगे। 20 प्रश्न इस टेस्ट में होंगे और आपको मात्र 10 मिनट का समय मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पर 15 सेकंड का लिमिट समय में। किसमें कितना है दम? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी लोगों को जय हिंद। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टेस्ट। तो आंसर लिमिट समय में, ठीक है, तभी आप विनर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 16 दिसंबर को, बी 24 जुलाई को, सी 26 जुलाई को, या फिर डी 26 दिसंबर को। टाइम शुरू हो चुका है, 15 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। तो आंसर सभी लोग लिमिट समय में बताइएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को, 24 जुलाई को, 26 जुलाई को, या फिर 26 दिसंबर। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी चलो टाइम अप। तो ध्यान दें, कारगिल विजय दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सी वाले परफेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन 80%, बी 50%, सी 60%, या फिर डी 70%। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? 80, 50, 60 या फिर 70%। फास्ट चलिए टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा, हमारे शरीर में जल 70% होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, WHO का पूरा नाम लिखे। ऑप्शन ए वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्थोडॉक्स। टाइम शुरू हो चुका है, WHO का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, आंसर परफेक्ट होना चाहिए। क्या होता है? वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्थोडॉक्स। सभी लोग जल्दी से चलिए टाइम ऑफ। तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग टेस्ट पूरा देंगे डेली, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा और आपको बहुत कम टाइम मिलता है, इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वेंकैया नायडू, या फिर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। टाइम शुरू हो चुका है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सभी लोग जल्दी से बताइएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए, गुड जोश, फास्ट चलिए टाइम अप। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, बी केरल, सी उत्तराखंड, या फिर डी दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, सबसे अधिक लिटरेसी रेट किस स्टेट की है? बिहार की, केरल की, उत्तराखंड की, या फिर दिल्ली की? कौन है टाइगर, जल्दी से आंसर बताए, परफेक्ट आंसर होना चाहिए, गुडजोश चलिए टाइम अप। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? ऑप्शन है मीराबाई चानू ने, बी नीरज चोपड़ा ने, सी पीवी सिंधु ने, या फिर डी लोवोलिना बोरगोहेन ने। टाइम शुरू हो चुका है, ध्यान रहे अभी ये करंट अफेयर्स है, अभी जो ओलंपिक हाली में हुआ था ना जापान में, यानी टोक्यो, जापान के टोक्यो में। तो पहला मेडल भारत किस खिलाड़ी ने दिलाया? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें काफी लोग फंसते हैं, चलिए जल्दी चलो टाइम अप। तो ध्यान दें, 2021 ओलंपिक में पहला मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया था 49 kg वेटलिफ्टिंग में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं? ऑप्शन है कबूतर, बी बाज, सी मोर, या फिर डी तोता। टाइम शुरू हो चुका है, एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको 15 सेकंड का समय मिलता है, तो सभी लोग आंसर लिमिट समय बताइएगा। राइट द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, कबूतर, बाज, मोर, या फिर तोता, जल्दी सभी लोग, गुड जोश चलिए टाइम अप। अभी तो सभी का आंसर सही है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी सॉरी मोर है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन अशोक चक्र, बी तिरंगा झंडा, सी अशोक का पेड़ या फिर डी अशोक स्तंभ। टाइम शुरू हो चुका है, इसमें काफी लोग फंसते हो, तो आंसर ध्यान से। राजकीय प्रतीक पूछा है भारत का, ऑप्शन में अशोक चक्र, बी तिरंगा झंडा, सी अशोक का पेड़ या फिर डी अशोक स्तंभ। तो सभी लोग जल्दी से बताएं, और 2 सेकंड टाइम बचा है, फास्ट चलिए टाइम अप। तो ध्यान दें, भारत का राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा या फिर डी ए मेरे वतन के लोगों। टाइम शुरू हो चुका है, ध्यान रहे, भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है, राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन ए में जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा या फिर डी ए मेरे वतन के लोगों। जल्दी से सभी लोग, इसमें भी काफी लोग फंसते हो, चलिए टाइम अप हुआ। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री राजनाथ सिंह, बी श्रीमती निर्मला सीतारमन, सी सरदार बलदेव सिंह या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पूछ रहा, प्रेजेंट नहीं। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, बलदेव सिंह या फिर नरवाने जी। सभी लोग जल्दी से बताएं, गुड़जोश फास्ट, चलिए टाइम अप। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विजय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 16 दिसंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 26 जुलाई को या फिर डी 15 अगस्त को। टाइम शुरू हो चुका है, विजय दिवस यानी विक्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 26 जुलाई को या फिर 15 अगस्त को। गुरजोश चलिए जल्दी सभी लोग, चलिए टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा विजय दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 दिसंबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन 21 अप्रैल को, बी 7 अप्रैल को, सी 5 जून को या फिर डी 26 जुलाई को। टाइम शुरू हो चुका है, ध्यान दें, विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? सभी लोग जल्दी से बताएं, 21 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 जून या फिर 26 जुलाई को मनाते हैं। फास्ट गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डी रमेश पोखरियाल। टाइम शुरू हो चुका है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कलाम जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डी रमेश पोखरियाल, कौन थे? सभी लोग जल्दी से बताएं, बढ़िया अभी तो सही जा रहे, गुड़जोश चलिए टाइम अप। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में बताइएगा कमेंट करके आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन है आपका ए सुषमा स्वराज, बी प्रणब मुखर्जी, सी श्रीमती निर्मला सीतारमन या फिर डी डॉक्टर सुब्रहण्यम जयशंकर। सभी लोग जल्दी बताएं, करंट अफेयर्स है, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुषमा स्वराज, जल्दी सभी लोग, गुडजोश ठीक है, अभी तो सभी लोग सही जा रहे, बढ़िया, चलिए टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रहण्यम जयशंकर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है, एयर फोर्स डे कब मनाते हैं? सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, यानी वायु सेना दिवस। ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। फास्ट गुड जोश, चलो टाइम अप। तो वायु सेना दिवस यानी एयर फोर्स डे प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान,
सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डी रमेश पोखरियाल। टाइम शुरू हो चुका है। हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कलाम जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, मौलाना अबुल कलाम या फिर रमेश पोखरियाल। सभी लोग जल्दी से कमेंट में टाइप करें आंसर फास्ट। गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी, आर्मी लवर केवल बोलने से नहीं होता है, आपको सारे आंसर भी पता होने चाहिए और मेहनत कंटिन्यू। आर्मी डे यानी थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी या फिर 26 जनवरी को। फिर टाइम आओ। तो थल सेना दिवस यानी आर्मी डे प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन है आम का पेड़, बी पीपल का पेड़, सी अशोक का पेड़ या फिर डी बरगद का पेड़। टाइम शुरू हो चुका है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन है आम का पेड़, बी पीपल का पेड़, सी अशोक का पेड़ या फिर डी बरगद का पेड़। गुड जोश, तो आंसर सभी लोग जल्दी से बताएं। ठीक है, अभी सब लोग सही है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बरगद का पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, यानी बनियान ट्री। क्वेश्चन नंबर 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर डी महात्मा गांधी ने। टाइम शुरू हो चुका है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, शास्त्री जी ने या फिर महात्मा गांधी जी ने। फास्ट, और 2 सेकंड टाइम बचा है, तो जल्दी सभी लोग, चलिए टाइम अप। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर डी महात्मा गांधी ने। टाइम शुरू हो चुका है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, शास्त्री जी ने या फिर महात्मा गांधी ने। गुड जोश, बाकी लोग जल्दी, चलिए टाइम ऑफ हो गया भाई। तो दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो 20 में 20 किसका सही है? आप लोग हैं आज के टेस्ट के विनर, जिनका 20 में 20 है, ठीक है, आउट ऑफ 20 20 क्वेश्चन आर करेक्ट, आप हो विनर। बाकी लोग आपका कितना सही है कमेंट करके बताएं, और आप लोग पढ़ के ही, ठीक है, रिविजन करते रहिए, टेस्ट कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्विज टेस्ट होगा 3rd, यानी कल शाम में सेम टाइम 5 बजे। तो आप लोग रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, जितना ज्यादा हो सकता है मेरे से मैं आपके लिए डाटा अवेलेबल कराता हूँ। टेस्ट वगैरह आपका होता रहता है क्लास दोनों टाइम, सुबह में 7:30 बजे से और शाम में 8 बजे। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर तो मिलते हैं कल शाम में 5 बजे नेक्स्ट क्विज टेस्ट 3rd के साथ। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।